केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है, जिससे किसानों को कई प्रकार की राहत मिल पाएगी। गौरतलब है कि कोविड-19 ने देश में जिस तरह सारी गतिविधियों को ठप किया है, उसे छोटे व सीमांत किसानों की दुश्वारियां भी काफ़ी बढ़ गई हैं। आवागमन नहीं होने से करोड़ों किसानों की फसलें बर्बाद होने या नष्ट होने की खबरें लगातार आ रही हैं। ऐसे में इन्हें ज़्यादा मदद की दरकार है। इस बात की पहचान करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दो अहम घोषणाएं की हैं। एक घोषणा है कि किसानों के बीच 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज बांटने के लिए नाबार्ड को वित्त सुविधा उपलब्ध कराना। दूसरा है 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC देना। इससे इन किसानों को कुल 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मिलने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन यह कर्ज उन्हीं को मिलेगा जो किसान इसके लिए आगे आएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि नाबार्ड को 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आपातकालीन फंड उपलब्ध कराया जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल वह राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जरिए किसानों को कर्ज देने के लिए करेगा। नाबार्ड पहले ही 90,000 करोड़ का कर्ज इस वर्ष वितरित करने की व्यवस्था कर रहा है। इससे 3 करोड़ किसानों को कर्ज मिलने में सहूलियत होगी, जो अभी के हालात को देखते हुए काफ़ी ज़रूरी है। अभी रबी की फसल कट चुकी है और किसान दूसरी फसल की तैयारी में है। KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड का एक अहम पहलू यह है कि मत्स्य व पशुपालन करने वाले सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा। सरकार की योजना है कि देश के सभी किसानों के पास जल्दी KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड पहुंच जाए। इस कदम से अतिरिक्त 2 लाख करोड़ का कृषि कर्ज वितरित किया जाएगा। इस तरह से किसानों के लिए एक बड़ी खबर है और किसानों को जल्दी ही KCC के माध्यम से कर्ज मिलने की सुविधा शुरू होने जा रही है।